हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? ये देख रहे हैं गाड़ी फिएट लानी है, इसकी हमने इंजन की सर्विस वगैरह की है, तो अब करने जा रहे हैं इसका एसी फिल्टर क्लीन। तो सिर्फ मेरी ये वीडियो आज की एसी फिल्टर क्लीन पर है। काफ़ी मैकेनिक भाई को एसी फिल्टर की लोकेशन पता नहीं, कैसे निकालना है बाहर फिल्टर वो नहीं पता, सिर्फ काफ़ी मैकेनिक भाई को पता भी है। ठीक है फ्रेंड, तो यही है मेरी सिर्फ आज की इसकी फिएट लानी की एसी फिल्टर की लोकेशन कहाँ है और कैसे फिल्टर निकालना है, कैसे क्लीन करना है। ठीक है फ्रेंड, मेरी ये छोटी सी वीडियो है, अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करना। करते हैं वीडियो स्टार्ट, चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको लोकेशन। ये इसका ग्लो बॉक्स खोल लेना है फ्रेंड। ठीक है, नीचे कोई भी इसकी नहीं है, नीचे इसका ग्लो। तो फ्रेंड, ये एक पिन होती है जो इधर फंसी हुई है, तो इसको थोड़ा सा घुमाकर चलो। इसको ऐसे करके निकाल देना है घुमाकर। तो नीचे से ये एक बॉक्स लगाओ, ये नीचे एक बॉक्स लगा होता है, इसको खोल लेना है। ये लकी बोल्ट है स्टार वाले, ये आपने इसके दो बोल्ट खोल, कोई ना बोल्ट बोल्ट दिखा ली मड़ जाए। T25 नंबर है, लकी लगनी है। ठीक है फ्रेंड, इसको नीचे कर लेना है, और ये रहा इसका ये एसी फिल्टर का लोकेशन। इधर की साइड एक लॉक लगा है, इसको लॉक को उठा लेना है। ठीक है फ्रेंड, ये एसी फिल्टर है कवर, और देखो कितना ज़्यादा उसमें डस्ट बड़ी पड़ी है, कचरा बड़ा पड़ा है, क्योंकि काफ़ी ऑनर को और मैकेनिक भाई को पता नहीं है इस फिल्टर का कैसे निकालना है। देखो कितना ज़्यादा इसमें मिट्टी, देखो कितना इसका बुरा हाल हुआ पड़ा है। ओ हो, लिफाफा शिव होने लिफाफा लेकर गए हैं अंदर। ये तो बुरा हाल हुआ पड़ा है फिल्टर का, तो एसी की तो हवा ही बिल्कुल बंद हुई पड़ी थी, हवा आ ही नहीं रही थी पूरी एसी की। तो फ्रेंड, आप इसको पूरा क्लीन करके लगाएंगे, पूरा क्लीन करके इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये प्लास्टिक का ही होता है, ये ख़राब नहीं होता, तो इसको पूरा क्लीन करके पानी से धोकर लगा देंगे, ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल धोकर अच्छा क्लीन हो जाएगा। देखो कितना ज़्यादा चूहों ने कचरा वगैरह लेकर गए हुए हैं अंदर, लफाफा भी लेकर गए। एसी की जो एसी ब्लोअर की हवा होती है बहुत कम आ रही थी। तो ठीक है फ्रेंड, ये इसका एसी का फिल्टर, तो इसको अब करते हैं क्लीन। तो फ्रेंड, इसको एसी को फिल्टर को पानी से क्लीन कर लेना है, ये प्लास्टिक की जाली का ही होता है, ये ख़राब नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, इसको पानी से धोकर थोड़ा सा धूप में रख देना, अगर जब सूख जाए तो लगा देना। ठीक है फ्रेंड, तो हमने तो फ्रेंड इसकी आपको बताया, इसकी ऑयल फिल्टर बॉडी भी चेंज किया, इसके रेडिएटर में इसका ऑयल आ रहा था। ठीक है, तो हमने इसको चेंज किया है, तो इसका एसी फिल्टर भी क्लीन हो गया, इसको वॉश कर लिया, अब लगाते हैं, करते हैं फिट इसको। ये प्लास्टिक की जाली वाला होता है, ये ख़राब नहीं होता। चलो हमने कहा, ये होता है फ्रेंड एक लॉक, इसको थोड़ा ऐसे करके निकाल लेना है बाहर।
दो प्रिंट लग गया, अब इसको लगा देना फिट। तो फ्रेंड ये थी एसी फिल्टर की लोकेशन, ठीक है फ्रेंड। तो फीएट लानिया की एसी फिल्टर केबिन जो निकालना है बाहर, तो इसको आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना अगर किसी ने किया नहीं। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते। लाइक कर देना फ्रेंड वीडियो को।